कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था खराब करने की जगह थोड़ा है। ये कोई वैध पार्किंग भी नहीं है, फ्लैट में दे रहा हूँ, जो अपनी गाड़ियां हटा सकता है हटा लीजिए, और ये कोई पार्किंग स्थल नहीं है। अगर कोई पार्किंग स्थल है तो आप मुझे दिखा दीजिए उसके कागज, हम देख के चले जाएंगे। अभी मैं गाड़ियां यहाँ तक खींच के ले जा रहा हूँ। हो गया बेराज, गैस जताई जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करते हैं, अपने वाहनों को खड़े करते हैं, और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और साथ ही जो गाड़ियां यहां पे अभी खड़ी हैं, इन लोगों को हमने चेतावनी दे दी है। चेतावनी के बाद जिन लोगों ने हटा दिए हैं, कुछ लोगों ने हटा दिए हैं, जिन लोगों ने नहीं हटाए हैं उनकी गाड़ी हम क्रेन से खिंचवा के उसको लवारिस में दाखिल कर रहे हैं। वो साथ ही जो लोग यहां से नेपाल जा रहे हैं उनका बाकायदा एक डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उनके नाम पते सब लिख के। अगर कोई ऐसा आदमी जो बार बार रिपीटेशन में नेपाल जा रहा है अनावश्यक किसी कार्यवश, तो उसके परिजनों के मोबाइल नंबर भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जिससे कि वो उन पर भी कड़ी दृष्टि रख सकें और उनको नेपाल में जाने से रोक सकें। जैसे कि शिकायतें भी आती, कई लोग यहाँ पे आते हैं और कैसीनो में जाते हैं, तो उनको भी रोकने के दृष्टिकोण हम लोगों द्वारा एक ये यहाँ पे आज तक कार्य किया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें पूर्ण रूप से इसमें लगाम न लगा रहे हैं।